बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बनाए। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये आज की वीडियो में आपको ब्लाउज नेक डिजाइन के बारे में बता रही हूँ। उसके लिए मैंने कुछ ये पट्टी कट की है, इसकी मैं डोरी बनाऊंगी और फिर डिजाइन डालूंगी। और मैंने ब्लाउज और लाइनिंग दोनों पीस कट कर लिए हैं और अभी आपको नेक डिजाइन बारे में बताती हूँ। तो सबसे जो ब्लाउज है हमारा ये 34 साइज का ब्लाउज है और हम ब्लाउज को साइड में रख देते हैं, लाइनिंग पर डिजाइन। ये शोल्डर से 3 इंच ले रही हूँ और डीप आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं। मैंने ये 10.5 इंच लिया है और मैं इसको वी नेक में कट करूँगी। ऊपर से सेम रहेगा, नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड लाके फिर वी नेक आएगा। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड रख रही हूँ। देखिए इसकी शेप हमारी कुछ इस तरह से आएगी। सेम तो देखिए अभी मैंने जो नेक कट किया था उसी ब्लाउज के ऊपर मैंने इसको सेट कर लिया। नीचे उल्टा ब्लाउज रखा है, उसको चारों तरफ से मैंने स्टिच कर दिया है। अभी हम नेक को कट कर अभी हमने जो कैनवास और नेक पट्टी कट किए थे वो मैंने इस तरह से तैयार कर लिए। नीचे नेक पट्टी रखी है, मैं इसमें पाइपिंग देने वाली हूँ इसीलिए मैंने ये ग्रीन कलर लिया है और कैनवास के साथ इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे अभी जो हमारी इसकी ओपनिंग जैसे बैक साइड में, तो हमको सेंटर से ब्लाउज को भी कट करना है। पीस मैंने इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे और मैं इसमें डोरी डालने वाली हूँ। तो देखिए मैंने ये ग्रीन कलर की डोरी बनाई है और मैंने ये स्ट्रेट कपड़े से बनाई है। नॉर्मल हम क्रॉस कटिंग में बनाते हैं और देखिए ये लटकन बनाए और इसका वीडियो मैंने अपलोड किया, आप चाहे तो ये भी देख सकते हैं जिससे आपका पूरा ब्लाउज डिजाइनर बन सके। तो देखिए जो ये डोरी है हम यहाँ ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो शोल्डर से हमको 3 इंच लेना है, तो हम स्टिच कर देंगे। तो देखिए 3 इंच पर यहाँ पर हम मार्किंग कर लें और यहीं पर हम डोरी को लगा देते हैं 3 इंच पर। तो देखिए मैंने 3 इंच पे इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर ली है और साथ में ही हम डोरी को भी इसको ले लेते हैं। और अभी नीचे की फिनिशिंग दे देते हैं। तो ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है, इसको डबल फोल्ड करके फिनिशिंग दे देते हैं। इसी तरह जो काज बनाएंगे उसके लिए पट्टी लेते हैं, तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया और इसको फोल्डिंग ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे क्योंकि हमने नीचे ऊपर दोनों फिनिशिंग दे चुके हैं। तो देखिए ये पीस मैंने पूरा तैयार हो चुका है एक साइड का और अभी आपको बताती हूँ जो हम इसमें डिजाइन डालने वाले हैं। तो देखिए मैंने स्ट्रेट पट्टी एक बना ली है, ये मैंने 1 इंच चौड़ा लिया था लेकिन किनारे पे सिलाई डाल के इसको चौड़ी पट्टी बना ली है और अभी हम यहाँ पर डिजाइन डालना शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, जितना यहाँ पर 1/2 इंच के आसपास हम गैप छोड़ देंगे। इस तरह से हम यहाँ पर टाइट कर देंगे। अभी देखिए धागा हमने पीछे की तरफ ले लिया है और जो इसकी सिलाई है डोरी की वो अंदर की साइड जाए, इस तरह से हमको रखना है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम 1 इंच के आसपास छोड़ के और फिर से इसी तरह अभी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से ही इसको निकालेंगे, टाइट कर दें जिससे कि हमारी कुछ डिजाइन इस तरह से दिखेगी और इस तरह 2-3 टाइम्स टाइट कर दें इसको, ये इस तरह से दिखेगी। सेम इसी तरह से फिर से हम करेंगे तो पूरे में हमको इसी तरह से करना।
तरह मैं पूरे में कर लेती हूँ। तो देखिए ये डिज़ाइन जो मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी पूरी यहाँ से लेके मैंने यहाँ कमर तक लगा दी है, इतना पार्ट छोड़ दिया है जो कि हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। और देखिए सेम मैंने इस साइड में भी इसी तरह से अटैच कर दिया है, यहाँ पे हुक भी लगा दिए हैं। देखिए आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है। मैं आपको ये ब्लाउज की स्टिचिंग दिखाती हूँ। तो मैंने ये लाइनिंग के साथ पूरा सेट कर लिया है, देखिए पूरा नेक शोल्डर नीचे सभी। और देखिए हमने ये प्लेट का मार्किंग कर लिया है, इसी तरह दूसरी साइड भी कर लिया है। और अभी हम प्लेट डालना शुरू करते हैं। डाल दिए तो हमारी डॉट कंप्लीट हो चुकी है। और अभी हम नीचे की फिनिशिंग देते हैं, तो उसके लिए मैंने ये ग्रीन कपड़ा लिया है क्योंकि मैं इसमें नेक में भी पाइपिंग देने वाली हूँ। तो अभी नीचे फिनिशिंग दे देते हैं हम इसकी, और विथ पाइपिंग फिनिशिंग देंगे। कंप्लीट हो चुकी है और अंदर की तरफ यहाँ पे हम तुरपाई कर देंगे। अभी हम नेक तैयार करते हैं। तो देखिए जो नेक का ड्राफ्ट निकला था उसी ड्राफ्ट को रखकर मैंने कैनवास और नेक पट्टी तैयार कर लिया है क्योंकि मैं नेक में पाइपिंग देने वाली हूँ। तो हम इस तरह से यहाँ पे इसको स्टिच कर लेते हैं, और जैसे नीचे पाइपिंग दी है सेम उसी तरह पाइपिंग दे देंगे। और जैसे मैंने आपको बताया मैंने बैक डिजाइन भी बनाई थी, तो बैक पीस भी हमारा तैयार है। अब इसको हम शोल्डर से जॉइंट कर लेते हैं। मैंने दोनों शोल्डर से जॉइंट कर लिए हैं। तो देखिए इस तरह से इसका लुक आ रहा है। अभी हम यहाँ पे आम मोल में इसकी फिनिशिंग देते हैं और हाफ एक्स्ट्रा कटिंग भी करते हैं, हाफ इंच जो करते हैं मार्जिन। तो अब इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लें दोनों साइडों में सिलाई मार्जिन छोड़ने के बाद। और देखिए अभी इस तरह से हम सेट कर लेंगे। और देखिए मैं इस आर्म होल में भी पाइपिंग देने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने ये क्रॉस में पट्टी कट कर ली है। और अभी हम यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लगाया है यहाँ से लेके इसमें स्टार्ट करते हैं ये पट्टी लगाना। तो इस पट्टी को हम यहाँ पर डबल फोल्ड करके लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरा स्टिच कर दिया है। अभी हम यहाँ पे इसकी पाइपिंग दे देते हैं इस तरह से, और इसी तरह मैं दूसरा साइड का पीस तैयार कर लेती हूँ। मैंने दोनों साइड मोल में फिनिशिंग दे दी है। अभी हम इसकी फिटिंग दे देते हैं अपने साइज के अनुसार, जैसे मैंने बताया 34 साइज है। और देखिए यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे तो इसकी फिनिशिंग इस तरह से आएगी। तो 34 के लिए हमको यहाँ पर इस तरह से 17 इंच लेना है, और हमारी कमर 28 है तो यहाँ पे आपको 14 लेना है। इस मार्किंग पे हम इसकी फिटिंग दे देते हैं। तो देखिए मैंने साइज के अनुसार दोनों साइड फिटिंग दे दी है, और अभी देखिए हमारा ये इस तरह से लुक आएगा। तो देखिए ये हमारा बैक साइड में यहाँ पे हमारे हुक्स वगैरह हैं ये सभी, ये देखिए यहाँ पे ओपनिंग है। और ये आर्म होल में इस तरह से पाइपिंग आएगी, नेक में पाइपिंग है, फ्रंट में भी पाइपिंग है। तो आप देख सकते हैं कि हमने कम कपड़े में से कितना सुंदर ब्लाउज बना दिया है। तो देखिए मैंने साइड से फिटिंग दे दी है, तो आप देख सकते हैं हमारे ब्लाउज का कितना सुंदर लुक आ रहा है। और देखिए 3 डॉट है हमारी, पाइपिंग है, तो पूरा हमारा ब्लाउज डिजाइनर बन चुका है। तो आप इस ब्लाउज को बड़ी आसानी से बना सकते हैं, वो भी बहुत कम कपड़े से। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।